अब आपकी राशि के अनुसार आपको करना क्या चाहिए। आपकी क्या राशि है? हमारे भैया ने बताया, बेटे ने, कि मेरा मकर राशि है। तो मकर में आता है चक्र, तो मकर में उस दिन क्या करने से वो मकर राशि के ग्रह देवता प्रसन्न होंगे, आपके कुल देवता प्रसन्न होंगे, आपके इष्ट देवता प्रसन्न होंगे और आपके कार्य सदने लगेंगे। ये सब देखेंगे तो आपको समझ पड़ेगा कि अक्षय तृतीया खाली सोना खरीदने का दिन नहीं है। अक्षय तृतीया अपने जीवन में अक्षय समृद्धि और सुख लाने के लिए देवताओं को, मैंने बताया कि उसी दिन सभी अक्षय चीज़ें इस धरती में हुई। माँ लक्ष्मी प्रकट हुई, अन्नपूर्णा माँ प्रकट हुई, परशुराम जी प्रकट हुए, बलराम जी प्रकट हुए, वेद व्यास जी ने महाभारत लिखना शुरू किया, सुदामा जी को सोने का महल और सभी समृद्धि प्राप्त हुआ, भगीरथ जी गंगा को धरती में ले आए, कितनी चीज़ें, द्रौपदी माँ का उस दिन चीर बढ़ता ही गया कृष्ण की कृपा से, उस दिन अक्षय पात्र से, जो अक्षय पात्र धो के रख दिया था उसमें वापस खाना प्रकट होने लगा, हजारों बातें उस दिन घटी, कुबेर को भी धनाध्यक्ष का पद प्राप्त हुआ उस दिन। ऐसे अक्षय तिथियों के दिन आपके लिए भी ईश्वर ने कुछ तो सोच के रखा होगा, लेकिन उनका सोचा हुआ जब तक अपने समझ में नहीं आएगा हम उस कर्म को कर नहीं पाएंगे, और जब तक हम कर नहीं पाएंगे कुछ पा भी नहीं पाएंगे। इसलिए उस दिन मुझे करना क्या चाहिए। मेष राशि वाले कौन है महाराज? कोई भी मेष राशि वाले दर्शक देख रहे हो या कोई भी मेष राशि वाले हो, उनको ये वीडियो आगे फॉरवर्ड करना। जिनको भी मेष राशि हो, उस दिन मेष राशि वालों को सूर्योदय के समय में ही 1.25 किलो नमक और बाद में दिन में कभी भी पीला वस्त्र खरीदना चाहिए। मेष राशि के देवता भगवान मंगल प्रसन्न हो जाते हैं और आपको जीवन में सफलता अनंत गुना प्रकट होना शुरू हो जाता है। मेष राशि वालों को उस दिन नमक खरीदना चाहिए और पीला वस्त्र खरीदना चाहिए। ये तांत्रिक प्रयोग है, इसलिए आप बोलोगे उनका तो वो रंग नहीं है, इनका तो ये रंग नहीं है। रंग वाली बात नहीं है, इन चीज़ों में उस राशि के साथ साथ आपके कुल देवता, इष्ट देवता और पूरी आपकी आराध्य शक्तियों के साथ पूर्वजों को प्रसन्न करने की ताकत है। इसलिए मेष राशि वालों को नमक और पीला वस्त्र खरीदना चाहिए। अब ऋषभ राशि का, मैं खुद हूँ महाराज, मैं ऋषभ राशि का हूँ, आप में कोई ऋषभ राशि के हो तो ऋषभ राशि वालों को उस दिन फल, क्या फल, कोई भी फल। ऋषभ राशि का चंद्र प्रसन्न होता है फल से, क्योंकि फल में रस होता है पानी, और चंद्र जल का अंश का देवता होने से फल, फूल और सफ़ेद वस्त्र, छोटा टुकड़ा भी सफ़ेद वस्त्र खरीदें, फल और फूल खरीदें, उनके ग्रह दोष जितने भी हों, उनके जन्म कुंडली में कोई दोष हो, उनकी कोई पीड़ा हो, ऋषभ राशि वाले उस दिन फल, फूल और सफ़ेद वस्त्र खरीदते हैं तो उनके लिए क्या मंगल हो जाता है, मैं क्या कहूँ, उनका जीवन सफल हो जाता है। अब मिथुन राशि वाले कौन हैं? तो मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन के ग्रह देवता हैं बुध, और बुध संगीत कला ज्ञान प्रिय हैं, तो आपके लिए नहीं, बुध को प्रसन्न करके, अपने ग्रह स्वामी को प्रसन्न करके अपने सभी काम को सिद्ध करने, इष्ट देवता, कुल देवता, गोत्र देवता, आराध्य देवता के साथ पूर्वजों को प्रसन्न करने, घर के दोषों का निवारण करने के लिए बहुत सरल उपाय है। अक्षय तिथियों के दिन मिथुन राशि वाले कोई रसोई संबंधी पुस्तक खरीदें, कोई संगीत संबंधी पुस्तक खरीदें, कोई सेल्फ मोटिवेशनल पुस्तक खरीदें, एजुकेशन का, पढ़ाई का पुस्तक खरीदें, कोई भी प्रकार का एक पुस्तक, वो कला संबंधी पुस्तक हो, कोई ना कोई उस दिन एक पुस्तक खरीदें। आप बोलोगे मैं तो पुस्तक पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं क्यों खरीदूँ? वो पुस्तक आपके लिए नहीं खरीदना है, आपका ग्रह स्वामी बन के आपको जो चला रहा है, आपको जो हिला रहा है, वो ग्रह देवता बुध को प्रसन्न करने खरीदना है। भले 50 रुपये का पुस्तक, अगर आपको ये पुस्तक खरीदने की ज़रूरत नहीं है तो हनुमान चालीसा है, शिव चालीसा है, दुर्गा चालीसा है, आप कोई धार्मिक पुस्तक भी खरीद लें, लेकिन उस दिन एक पुस्तक भी खरीद लेंगे तो अक्षय तिथियों के दिन जो बुध की कृपा आप करो आएगी, वो अक्षय बन के वो ग्रह की कृपा अनंत बन जाएगी, और बनते 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 आहा क्या कहें, आनंद ही आनंद हो जाए। तो ऐसे मिथुन राशि के लिए क्या खरीदना बेटा। अब कर्क राशि, कर्क राशि के भी चंद्र होते हैं, तो कर्क राशि के चंद्र के लिए क्या खरीदना चाहिए? मोती के रंग का वस्त्र। क्या खरीदना?
मोती का रंग यानी शुद्ध सफ़ेद नहीं होता है, थोड़ा सा हल्का चंदन कलर का होता है मोती की तरह, वो रंग का वस्त्र खरीद सकते हैं या घर में रसोई के बर्तन खरीद सकते हैं उस दिन। रसोई के अगर कर्क राशि वाले रसोई के बर्तन कोई छोटे मोटे कढ़ाई हैं, थाली हैं, कोई भी रसोई का बर्तन भी खरीदें और कोई घर में प्राकृतिक पेय पदार्थ बनाए, नींबू की शिकंजी, गुलाब की शिकंजी प्राकृतिक होनी चाहिए। बॉटल में पानी मिला दिया और जूस बना दिया, नींबू को अच्छे से निचोड़ा, पानी डाला, नमक शक्कर डाला और शिकंजी बनाई और सबको पिलाया तो कर्क राशि के देवता प्रसन्न है। ध्यान रखना, आप इष्ट देवता, कुल देवता, उपासना देवता, आराध्य देवता कितना भी प्रसन्न करो, आपके शरीर को, मन को, बुद्धि को और आत्मा को चलाने वाले आपके जन्म ग्रह देवता प्रसन्न नहीं होंगे। बाकी सबकी कृपा को एंट्री ही नहीं मिलेगी, इसलिए ग्रह देवता को प्रसन्न करने कर्क राशि वाले उस दिन कोई भी जूस, मौसम्बी का जूस घर में ही बन सकता है, नारंगी का जूस घर में ही बन सकता है, द्राक्ष का रस घर में ही बन सकता है ना बेटा, तो ये सभी चीज़ें आप घर बैठे ही बना करके उस दिन पी के अक्षय तिथियों का पूर्ण लाभ आप ले सकते हैं। अब सिंह राशि वाले, जो सिंह राशि, किसका सिंह राशि है, तो सिंह राशि वाले क्या करें, लाल वस्त्र खरीद सकते हैं, एकदम डार्क लाल अपने लिए खरीदना, कोई भी लाल वस्त्र खरीद सकते हैं, शर्ट खरीद सकते हैं, पैंट खरीद सकते हैं। लाल थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, लोग बोलते हैं कि हम पहनते नहीं हैं, लेकिन उस दिन लाल वस्त्र खरीदने से ग्रह स्वामी प्रसन्न होंगे, उनको प्रसन्न करना ही इस उपाय का अपने को उद्देश्य है, ये ध्यान रख के लाल वस्त्र खरीद सकते हैं। नहीं तो आप कोई बल्ब है, ट्यूबलाइट है, लाइट संबंधी कोई भी चीज़ें, क्योंकि सिंह का सूर्य प्रकाश से प्रसन्न होते हैं। किससे प्रसन्न होते हैं, सूर्य का स्वभाव क्या है हमारा, प्रकाश। तो ट्यूबलाइट खरीदो, CFL बल्ब खरीदो, कोई भी लाइट खरीदो, बेड लैंप खरीदो, नाइट लैंप खरीदो, आप कोई भी ऐसा लाइट खरीदो जिससे प्रकाश आता हो। उधर प्रकाश आ गया घर में तो जीवन में भी प्रकाश आना शुरुआत हो जाए, घर में जीवन में प्रकाश का शुरुआत। कन्या राशि, कौन सी राशि, कौन है कन्या राशि वाले, तो कन्या राशि वालों को उस दिन नव धान्यों में कोई भी धान्य ले सकते हैं, क्योंकि कन्या के बुध होते हैं तो बुध सभी ग्रहों को बल देने वाले, सभी ग्रहों को सहयोग देने वाले होते हैं। बुध की प्रभाव विशेष है कि किसी भी ग्रह में जुड़ेंगे तो उस ग्रह के फल को देने के लिए स्वयं भी सहयोग करेंगे, इसलिए नवधान्य में कोई भी धान्य उस दिन खरीद सकते हैं, कोई भी पौधा खरीद सकते हैं उस दिन। अगर कन्या राशि वाले हैं तो कोई भी पौधा खरीद सकते हैं, कोई भी पौधा खरीद के कोई भी प्रकार के पौधे को घर में लगा सकते हैं, आरोपित कर सकते हैं या गमले में ही लाके रख सकते हैं। और कोई भी पुस्तक, मैंने पहले ही बताया पुस्तक, कोई भी पुस्तक, कलम, पेन, उस दिन पेन खरीद सकते हो, पुस्तक खरीद सकते हो, नवधान्य खरीद सकते हो, पौधे खरीद सकते हो, ये सब कन्या राशि वाले कर सकते हैं। अगर कन्या राशि वाले हैं तो आप इसका लाभ जरूर ले सकते हैं इसको करके। अब तुला राशि वाले, तुला राशि वाले क्या कर सकते हैं, तुला राशि वाले मीठे फल खरीद सकते हैं। ध्यान रखना, जो फल खरीदेंगे आप वो बिल्कुल मीठा होना जरूरी है, आम हो, मौसम्बी हो, पका हुआ अमरूद हो, चीकू हो, एकदम पका हुआ हो, कोई भी रंग का फल हो, मीठा फल खरीदना है। और सोने का रंग का वस्त्र, पीला नहीं, एकदम गोल्डन वस्त्र, एकदम गोल्ड की तरह चमके। लेडीज हो से ऐसे गोल्डन के दुपट्टा ले सकती है, आदमी हो तो ऐसे गोल्ड का कोई कुछ शर्ट वगैरह ले सकते हैं, ऐसे कोई आपकी इच्छा हो तो आप ले सकते हैं। काफ़ी लोग ये पहनते नहीं हैं, लेकिन मैं ये पहनने के लिए और आपके प्रीति के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके आगे के जीवन के समृद्धि के दरवाजे को खोलने के लिए ये उपाय काम आ सकता है, ऐसे शास्त्र बता रहा है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। इसलिए तुला राशि वाले मीठे फल और सोने के रंग के कोई भी वस्त्र आप ले सकते हैं। और अब वृश्चिक राशि, कौन से राशि, वृश्चिक राशि के जो भी हैं तांबे के बर्तन खरीद सकते हैं उस दिन, अभिषेक के लिए तांबे का लोटा, क्योंकि तांबे का रसोई में तो काम नहीं आता है, तो अभिषेक के लिए कोई पूजा का थाली, अभिषेक के लिए तांबे का लोटा, या तांबे में पहले से ही गंगा जल भरा हुआ पैक किया हुआ लोटा गंगा जल का मिलता है, ऐसा एक गंगा जल का लोटा खरीद लें, ऐसे तांबे का कोई भी एक बर्तन खरीद लें,
और अपने बच्चों के लिए, देखो वृश्चिक राशि वाले खुद के लिए उस दिन खरीदेंगे नहीं कुछ भी, अपने बच्चे या पोते पोती के लिए हल्के लाल वस्त्र के, एकदम हल्के रंग के लाल, डार्क रेड नहीं, लाइट रेड, ऑरेंज नहीं, ऑरेंज नहीं, रेड में ही लाइट रेड कलर के कोई भी वस्त्र के कपड़े आप वृश्चिक राशि वाले ले सकते हैं, उसका प्रभाव आपके जीवन में आएगा। अब धनुर राशि वाले घर के लिए कोई भी चीज़, सोफा है, कुर्सी है, बेंच है, मेज है, या कोई भी छोटा मोटा घर में रखने फ्लावर वास है, आपके घर में उपयोग होता हो ऐसा कोई भी चीज़ धनु राशि वाले ले सकते हैं, और पीला वस्त्र भी धनु राशि वाले ले सकते हैं। धनु राशि वाले पीला वस्त्र ले सकते हैं और कोई भी प्रकार का घर का वस्तु, घर में बहुत सारी चीज़ें काम आती है, फ्लावर वास काम आता है, टेबल कुर्सियाँ, सोफा, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कुछ भी आप घर के लिए खरीदना आपकी शक्ति अनुसार, घर के लिए एक छोटा सा कोई एक चीज़ भी ऐसे शोकेस में रखने के लिए छोटा सा एक 20 रुपये का चीज़ भी ला के रख सकते हैं आप अपनी इच्छा अनुसार, 20 रुपये से लेके 20,000 करोड़ रुपये तक का कोई भी वस्तु खरीद के अपने घर में रख सकते हैं। अब आया मकर, क्या आया? मकर का है चक्कर, लेकिन इस मकर राशि के लिए बच्चों के लिए खिलौना खरीद के उस दिन देना चाहिए। मकर राशि वालों के लिए क्या करना है? मेरे कोई बच्चे नहीं आ रहे भैया, जो पड़ोसियों के बच्चों को ही बच्चे मान के दे दें तो कोई दुखी नहीं है, तो उस दिन किसी को भी हम दे सकते हैं बच्चों को खिलौना देना, वो कोई किसी के ही बच्चे हों, बच्चों को खिलौना देना या नया सेल फोन खरीदना। अरे महाराज आप ये क्या बोल रहे हो, यानी मकर राशि शनि का है तो ठंडा ग्रह है, शनि ग्रह ठंडा है तो उसकी शक्ति अनंत दूर तक काम करती है, उसको दूर संचार कहते हैं, तो दूर संचार में काम आने वाला ये जो सेलफोन खरीदते हैं वो शनि ग्रह को ही प्रसन्न करते हैं, इसलिए उस दिन या तो मोबाइल फ़ोन खरीद सकते हैं या लाइट ब्लू कलर का ड्रेस, मकर राशि वाले लाइट ब्लू कलर का ड्रेस, हल्का नीला रंग का वस्त्र, या बच्चों के लिए अरे मैं दूसरों को क्यों खिलौना दिलाऊं महाराज, अरे करके देख ले, दान करके देख, दान करने से 1000 गुना जब वापस लौटेगा तब समझ पड़ेगा कि दान का प्रभाव क्या है महाराज, इसलिए थोड़ा दूसरों के लिए भी करके देख ले यार, तेरे बच्चों के लिए खिलौना दिला ले, वो जो तू सोचता है वो कर बेटा, सेल फोन नया खरीद ले, इस बहाने तेरे घर में नया सेल फोन आएगा, तू ही बात करेगा, कोई मुझे तो देने वाला है नहीं, तो आराम से बात करना, और हल्के नीले रंग का, हाँ ये है मकर, हल्के नीले रंग का वस्त्र पहने, वो है मकर। अब कुंभ राशि, क्या राशि? कुंभ राशि में पूजा, कुंभ याने कलश, कुंभ याने क्या? तो कुंभ राशि वालों का जितना सटीक चीज़ लेना बैठता है ऐसे किसी को नहीं बैठता है, क्योंकि वो राशि में ही क्या लेना ये लिखा हुआ है, पूजा का कलश लें, पानी का मटका लें, पीतल का घड़ा लें, चांदी का लोटा लें, और कोई भी प्रकार के ऐसे घड़े मटकी उस दिन जो खरीदता है वो अपने राशि के ग्रह देवता को अति प्रसन्न कर देगा, साथ साथ उसके घर में चीज़ भरती जाएगी उस कलश में घड़े में, और समृद्धि का द्वार खुलता जाएगा। शास्त्र में लिखा है कि अक्षय तिथियों के दिन कुंभ राशि वाले अगर घड़ा और कोई भी प्रकार की मटकी लोटा इस प्रकार का जो यूँ गोल नुमा बन के आता है भरने वाला कोई बर्तन वो कुछ भी लेते हैं तो ज़रूर वो कुंभ राशि वालों के लिए इष्ट देवता, कुल देवता, उपासना देवता को प्रसन्न करने वाले, स्वग्रह के स्वामी प्रसन्न होकर सभी कृपा को प्रदान कर देते हैं, इसलिए कुंभ राशि वालों को करना चाहिए घड़ा खरीदने का काम, लोटा खरीदने का काम, अभिषेक लोटा खरीद सकते हैं, पीने का जल का लोटा खरीद सकते हैं, घड़ा खरीद सकते हैं। ज़्यादा मेरे पास पैसा नहीं महाराज, तो मेरे बच्चों 100 रुपया दे के भी एक मिट्टी का घड़ा खरीद लो, वो भी आप कर सकते हो। घड़ा किस चीज़ का हो ये कोई मायना नहीं, घड़ा होना चाहिए, छोटा भी एक घड़ा हो सकता 20 रुपये का, आप ऐसे खरीद सकते हैं। अब अंत में मीन राशि, क्या राशि? कौन है मीन राशि वाले? तो मीन राशि वालों को कान की बाली खरीदनी चाहिए, क्या खरीदनी चाहिए? मीन राशि वालों को कान की बाली खरीदनी चाहिए। क्यों मीन राशि वालों को कान की बाली खरीदनी चाहिए वो रहस्य बताता हूँ। देवताओं को आप देखोगे तो कान में मकर कुंडल पहनते हैं देवता, क्या पहनते हैं?
मकर कुंडल यानि मीन, मछली का कुंडल, तो ये मीन राशि मछली की राशि होने से कान का कुंडल पहनते हैं तो स्वामी ग्रह के अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वो पौधा भी खरीद सकते हैं, बर्तन भी खरीद सकते हैं, पीले वस्त्र भी खरीद सकते हैं, क्योंकि मीन राशि गुरु की होती है इसलिए पीला वस्त्र आज खरीद सकते हैं, और ये सोना भी खरीद सकते हैं, तो अक्षय तिथियों में सोना खरीदने का एक परंपरा भी है, आप खरीद सकते हैं। लेकिन कान की बाली, पौधे, बर्तन और पीला वस्त्र, इस प्रकार की चीज़ें आप खरीद सकते हैं और लाभ भी ले सकते हैं। इस प्रकार 12 राशियों में अक्षय तिथियों में क्या क्या खरीदना चाहिए, ये वस्तु आपको मैंने आज कहा है कि ये वस्तु आप खरीद सकते हैं। इन बातों को समझ में रखोगे तो मेरे ख्याल से अक्षय तृतीया के लिए आपको एक नया ज्ञान जरूर प्रकट हुआ होगा, नया फायदा हुआ होगा, और इस लाभ को लेके इस अक्षय तिथियों को, मैं ये वीडियो अगर 10-15 दिन पहले डालता तो सभी जगह पहुंच सकता, लेकिन अभी भी आप इस वीडियो के लिंक को सभी जगह पर फॉरवर्ड करो ताकि आपके रिश्तेदारों के, दोस्तों के, परिवार वालों के घर में ये ज्ञान पहुंचे कि मुझे अक्षय तिथियों के दिन 100 रुपये का ये चीज़ लेके भी अक्षय तिथियों में समृद्धि, सुख, शांति, ज्ञान, आशीर्वाद प्राप्त करने का उपाय का लाभ मिल सकता है, ये समझ उनको आना चाहिए। क्योंकि सभी लोग ये सोचते हैं कि अक्षय तृतीया है तो 50 लाख डाल के सोना खरीदूंगा तो ही पुण्य मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटा सा पौधा, एक छोटा सा बर्तन, एक टुकड़ा वस्त्र लेके भी अक्षय तृतीयों को अक्षुण्ण करके, ग्रह स्वामी को प्रसन्न करके हम हमारे जीवन में सफल हो सकते हैं। अब ये कृष्णगिरी पावन तीर्थ धाम में जो 365 दिन अखंड निःशुल्क भोजन प्रसादी विस्तृत यहाँ पर वितरित किया जाता है, ये अखंड भोजन प्रसादी लाखों लोगों के लिए निशुल्क वितरित किया जाता है, जिसमें सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का भोजन, चाय, दूध सब निशुल्क दिया जाता है। आप कृष्णगिरी के इस निशुल्क भोजन प्रसादी में लाभ अन्नदान का लेने के लिए अक्षय तिथियों के दिन जो अन्नदान करना हो तो 9051390513 में आप 5 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया, 5000 रुपया, 51 रुपया आपकी इच्छा अनुसार जो भी अन्नदान में 9051390513 में राशि डाल सकते हैं। अगर धाम आ रहे हैं, मंत्र योगम, आनंद योगम शिविर में, ध्वजा में आ रहे हैं तो आप लोग आते समय राशन, सब्जी, कुछ भी आप घी, तेल कुछ भी ला के भी आप लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ खुद आके रसोई में वो वस्तु दे के उस अन्नदान के पुण्य पात्र बन सकते हैं। और यहाँ पर करीब 20-30 हज़ार कबूतर पाले जाते हैं हमारे तीर्थ में, वो कई बोरे ज्वार रोज लगते हैं इन कबूतरों को हर दिन, और गायों को चारा लगता है गौशाला में, गायों को हमारी गौ माताओं की सेवा अक्षय तिथि के निमित्त आप 9051390513 में गूगल पे कर सकते हैं, या यहाँ आके भी आप घास दे सकते हैं कबूतरों के लिए, यहाँ आते समय ज्वार लेके आ सकते हैं, अन्यथा वहीं से आप नगद राशि भी गूगल पे कर सकते हैं। आनंद योगम मंत्र योगम शिविर में भाग लेने, मंत्र योगम शिविर में 10 से 17 तक, आनंद योगम शिविर जून 11 से 18 तक, ध्वजा का निःशुल्क महोत्सव 3 दिन का 19 जून, 20 जून, 21 जून को, और जुलाई 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा में जिबू कायन कैलाश धन रक्षा कवच 2100 रुपया में सबको कुरियर द्वारा या यहाँ के भी ले सकते हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए 9051390513 में संपर्क करें।